नमस्कार दोस्तों। तो चलिए, हम लोग बात कर रहे थे कंप्यूटर सामान्य ज्ञान के बारे में। तो इसके हम लोग 15 चैप्टर आपकी जो आपकी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण थे उन सभी को हम लोग देख चुके हैं, बहुत डिटेल से देख चुके हैं। ठीक है, अगर आप उन्हें पढ़ लेते हैं, उन्हें कवर कर लेते हैं, तो आपको कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर सामान्य ज्ञान के लिए कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि जब आपका कोई भी सब्जेक्ट कवर हो जाता है उसके बाद हमारे लिए मॉक टेस्ट जरूरी रहते हैं। उनसे हमारी क्षमता का पता चलता है, यानी कि स्टूडेंट की भाषा में कह लीजिए हमारी औकात का पता चलता है कि कितने क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। वो हमारे सभी चैप्टरों के सार होते हैं। ठीक है, तो इसमें हम उसी तरह के मॉक टेस्ट लगाएंगे, 25 से 30 मॉक टेस्ट लगाएंगे। ये जो भी मॉक टेस्ट होंगे ये आपके वन डे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे। वन डे एग्ज़ाम जैसे SSC, बैंक, रेलवे, इस तरह के जो भी एग्ज़ाम होंगे उनके लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। ठीक है, ये सभी आपके 15 चैप्टर जो ख़त्म कर चुके हैं, और ये 15, 25 से 30 आपके जो मॉक टेस्ट हैं ये सभी कंप्लीट कंप्यूटर क्लासेस के नाम से जो आपकी प्लेलिस्ट सूची है उसी में मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए पहला टेस्ट हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, कंप्यूटर चलाने के लिए उपयोग किया जाने वाला डेटा या सूचना क्या कहलाती है? सॉफ्टवेयर। क्या कहलाता है? सॉफ्टवेयर। लेकिन जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि इस इन ऑप्शनों में आपका सॉफ्टवेयर नहीं है, तो इसमें क्या होगा? इनमें से कोई नहीं। कंप्यूटर चलाने के लिए उपयोग किया जाने वाला डेटा या सूचना सॉफ्टवेयर कहलाता है। क्वेश्चन है आपका दूसरा, बुनियादी कंप्यूटर प्रोसेसिंग चक्र में शामिल होते हैं क्या क्या? इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट। दूसरे क्वेश्चन में आपका ए ऑप्शन सही है। ठीक है, बात करते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अब आप लोग इनपुट आउटपुट जो प्रोसेसिंग होती है, आउटपुट, इन्हें डिटेल में हम लोग पढ़ चुके हैं उन चैप्टरों में। ठीक है, अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोग डिटेल में जानना चाहते हैं तो उन चैप्टरों को देख लें। और मेरी तो यही राय है कि एक बार आप लोग केवल देख के और निकल जाएं, जिससे आपको मोटा मोटा एक ज्ञान हो जाएगा कि माउस क्या कहलाता है, आउटपुट क्या कहलाता है, इनपुट क्या कहलाता है, प्रोसेसिंग क्या कहलाती है, तो उन्हें जाकर देख लें। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है हमारा, आउटपुट क्या है? आउटपुट क्या है? तो वह है जो प्रोसेसर उपयोगकर्ता को दे, क्या कहलाता है? आउटपुट। ठीक है, क्वेश्चन है हमारा चार, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है, जो इनपुट होता है उसका आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है किसके द्वारा? तो ये किया जाता है आपका CPU द्वारा। CPU द्वारा, इसे हम लोग उस तरह से कह लीजिए जिस तरह कुकर को हम लोग CPU मान लीजिए, उसमें आप जब दाल डालते हैं तो वो इनपुट हो गया, और जो पक जाती है और निकलती है हमारे लिए उपयोग के लिए वो हमारी आउटपुट हो गया। ठीक है, क्वेश्चन है हमारा पाँच, प्रोसेस्ड डेटा को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं आउटपुट। क्या कहते हैं? आउटपुट। क्वेश्चन है हमारा छठवा, कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहते हैं? कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को इनपुट कहते हैं। क्वेश्चन है हमारा सात, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर है? तो ये आपका सुपर कंप्यूटर। क्या है? सुपर कंप्यूटर। क्वेश्चन है आठ, एक छोटे सिलिकॉन चिप पर ट्रांजिस्टरों और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के साथ पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं आप लोग इंटीग्रेटेड सर्किट। इंटीग्रेटेड सर्किट, क्वेश्चन नंबर आठ में सी होगा। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर नौ की तरफ, भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किसके द्वारा किया गया था? जो परम सुपर कंप्यूटर था भारत में, ये किसने इसका निर्माण किया था? CDAC। डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है हमारा अगला, कौन सा डिवाइस उपकरण हाथ पकड़ हैंड हेल्ड
हैंड हेल्ड ऑपरेटिंग प्रणाली का इस्तेमाल करता है, तो ये आपका PDA। क्या है PDA? फिर से बोल रहा हूँ, अगर आप लोग इसके बारे में डिटेल पढ़ना चाहते हैं, और पढ़ना क्या चाहते हैं, आपको एक बार देखना चाहिए, उन सभी 15 चैप्टर हैं आपके, अगर वो आप देख लेते हैं तो आपको कंप्यूटर में कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी, इतना याद रखिए। तो उन्हें देख लें, अब जैसे यहाँ PDA आ रहा है, क्या होता है, ठीक है, आउटपुट इनपुट क्या होता है, इसके बारे में आप जान तो सकेंगे जब आप उन्हें देख सकेंगे, ठीक। तो क्वेश्चन है हमारा अगला 11, प्रथम गणना यंत्र क्या है, प्रथम गणना यंत्र क्या है, तो याद रखिए अबेकस। क्या है? ए, सॉरी डी, अबेकस, ठीक है। क्वेश्चन है 12, विश्व के सबसे सुपर कंप्यूटर का निर्माण हुआ था, विश्व के सबसे पहले सुपर कंप्यूटर का निर्माण हुआ था, यह हुआ था आपका 1976 में। कब हुआ था? 1976 में। क्वेश्चन है हमारा 13, सुपर कंप्यूटर है, सुपर कंप्यूटर में हजारों माइक्रो प्रोसेसर होते हैं, सी ऑप्शन आपका सही होगा। क्वेश्चन है 14, कंप्यूटर के आईसी चिप के उत्पादन के लिए आवश्यक होती है, कंप्यूटर के जो आईसी चिप होते हैं उसके उत्पादन के लिए आवश्यक होती है क्या? सिलिकॉन। क्वेश्चन नंबर 14 में डी है। चलते हैं क्वेश्चन 15 की ओर। चार्ल्स बेबेज द्वारा निर्मित एनालिटिकल इंजन है, चार्ल्स बेबेज द्वारा जो निर्मित किया गया था एनालिटिकल इंजन, वो है क्या? है मैकेनिकल। 15 में आपका सी। क्वेश्चन नंबर 16, मैन फ्रेम या सुपर कंप्यूटर को एक्सेस करने के लिए उपयोगिता प्रयास इस्तेमाल करते हैं, नोड। क्या होगा? बी ऑप्शन 16 में सही होगा। चलते हैं अब 17 क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन नंबर 17, कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में कौन से डिवाइस प्रयोग होती है, कंप्यूटर की जो पहली पीढ़ी थी उसमें कौन सा डिवाइस प्रयोग होती थी, तो इसमें आपका वैक्यूम ट्यूब। 17 में आपका डी। क्वेश्चन है हमारा 18, विनिर्दिष्ट विशेषीकृत काम करने के लिए डिजाइन किए गए कंप्यूटर कौन से हैं, स्पेशल पर्पज कंप्यूटर। क्वेश्चन नंबर 18 में आपका बी है। क्वेश्चन है 19, निम्नलिखित में से किसे पोर्टेबल कंप्यूटर माना जा सकता है, पीडीए को पोर्टेबल कंप्यूटर माना जा सकता है। क्वेश्चन है हमारा 20, आईसी का अर्थ है, आईसी का क्या अर्थ होता है, आईसी का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटीग्रेटेड सर्किट, सी ऑप्शन सही है। याद रखिए हम लोगों ने उन चैप्टरों में आपके फुल फॉर्म भी कवर किए हुए हैं, ठीक है, सभी शॉर्टकट उनकी फुल फॉर्म भी देखिए, और कंप्यूटर से संबंधित जितने भी आपके शब्द आते हैं उन्हें भी हम लोगों ने परिभाषित किया है वहाँ। क्वेश्चन है 21, प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर है, प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर है आपका एनिक मार्क वन। क्वेश्चन नंबर 21 में आपका क्या होगा? ई, यानी कि ए और बी सही होगा। क्वेश्चन है हमारा 22, एनिक का पूरा नाम है, इलेक्ट्रॉनिकल न्यूमेरिकल इंटरग्रेटेड ग्रेटर एंड कैलकुलेटर। क्वेश्चन नंबर 22 में आपका ए होगा। क्वेश्चन हमारा 23, कौन सा कंप्यूटर
कि बुनियादी काम नहीं है। कौन सा कंप्यूटर का बुनियादी काम नहीं है? कॉपी टेक्स्ट नहीं है, एक्सेप्ट इनपुट है, प्रोसेस्ड डेटा है, स्टोर डेटा है। तो इसमें क्या होगा? ए होगा, नहीं है पूछ रहा है। क्वेश्चन है 24। एक माइक्रो प्रोसेसर आधारित कंप्यूटरिंग डिवाइस है। पर्सनल कंप्यूटर, एक माइक्रो प्रोसेसर आधारित कंप्यूटर डिवाइस, कंप्यूटिंग डिवाइस है। तो क्वेश्चन नंबर 24 में आपका ए है। क्वेश्चन है आपका 25। पर्सनल कंप्यूटरों को के रूम में एक साथ कनेक्ट किया जा सकता है। नेटवर्क, पर्सनल कंप्यूटरों को नेटवर्क के रूम में एक साथ कनेक्ट किया जा सकता है। 25 में आपका डी। क्वेश्चन है हमारा 26। पीसी, पर्सनल कंप्यूटर किस श्रेणी की कंप्यूटर से संबंधित है? माइक्रो। पर्सनल कंप्यूटर माइक्रो श्रेणी के कंप्यूटर से संबंधित है आपका। क्वेश्चन है 27। पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर की विशेषता क्या है? पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर की विशेषता है कृत्रिम बुद्धि। क्वेश्चन नंबर 27 में आपका ए होगा। क्वेश्चन है 28। डिजिटल कंप्यूटर की कार्य पद्धति का सिद्धांत है। डिजिटल कंप्यूटर की कार्य पद्धति का सिद्धांत है गणना एवं तर्क। क्वेश्चन नंबर 28 में आपका ए। चलते हैं 29 क्वेश्चन को देखते हैं। माइक्रो कंप्यूटर को क्या कहते हैं? माइक्रो जो कंप्यूटर है इसे क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं कंप्यूटर ऑन ए चिप। क्वेश्चन नंबर 29 में आपका बी होगा। क्वेश्चन है हमारा 30। उस फ्रांसीसी का क्या नाम था जिसने वस्त्र बनाने वाली मशीन के डिजाइन से पंच कार्ड मशीन बनाई? तो इसका नाम क्या था? जोसेफ जेकुआर्ड। क्वेश्चन नंबर 30 में आपका ए होगा सही। ठीक है, क्वेश्चन है 31। इंटेल द्वारा किस कंप्यूटर पुर्जे का निर्माण किया जाता है? माइक्रो प्रोसेसर। 31 में आपका सी, क्या है? सी ऑप्शन। क्वेश्चन है 32। पहली मैकेनिकल एडिंग मशीन जिसमें जोड़ हो सकता था क्या थी? पास्कलाइन। 32 में आपका ए ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन है आपका 33। एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है। प्रोसेसर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है। ए ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन है हमारा 34। कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किए जाते हैं। डेटा, कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा डेटा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 में आपका डी है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है? डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है? वाणिज्य उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना। क्वेश्चन नंबर 35 में आपका सी होगा। क्वेश्चन है हमारा 36। कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है? कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है? चिन्ह व संख्यात्मक सूचना को। क्वेश्चन नंबर 36 में आपका डी। अगला क्वेश्चन है हमारा 37। कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है? कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है? एकत्रित डेटा को। क्वेश्चन है हमारा 38। मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में होती है।
मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में होती है सामान्य। 38 में आपका ए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 39 की तरफ। कंप्यूटर, ये नीचे कथन दिए गए हैं, क्या दिए गए हैं, क्या है, आंकड़ों के भंडारण करने वाली एक सक्षम युक्ति है, सही है, आंकड़ों के विश्लेषण करने के लिए सक्षम है, सही है, पूर्ण गोपनीय बनाए रखने में सक्षम है, ये भी सही है, कभी कभी वायरस द्वारा आक्रमित होता है, ये भी सही है। तो इसमें आपके चारों कथन सही हैं, यानी कि सभी चारों कथन सही होंगे, ठीक है, क्योंकि सही कथन पूछ रहा है। तो 39 में आपका डी। क्वेश्चन है हमारा 40। किसी व्यवस्था के कंप्यूटरीकरण में आवश्यकता होती है, क्या होती है, किसी व्यवस्था के कंप्यूटरीकरण में आवश्यकता होती है, इसको इसको करने में दृढ़ इच्छा शक्ति की, सही है, संबंधित वित्तीय संसाधनों की, सही है, जनशक्ति की, प्रशिक्षण की, सही है, एक अत्याधुनिक संरचना की। इसमें सही कथन पूछ रहा है, तो इनमें सही चारों कथन सही है। इस तरह के क्वेश्चंस आपके सिविल सर्विस में या किसी स्टेट पीसीएस में पूछते हैं अधिकतर, ठीक है, सिविल सर्विस में आपके इसी तरह के कथन आएंगे और बिल्कुल इसी पैटर्न पर आपके क्वेश्चंस आते हैं, ठीक, फंसाने वाले। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ। क्या 41 हमारा क्वेश्चन, कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिणाम है, कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिणाम है आउटपुट। क्वेश्चन है हमारा 42। कच्चे तथ्य रॉ फैक्ट्स बताता है जबकि से डेटा अर्थपूर्ण बन जाता है। 42 में आपका बी। डेटा कच्चे तथ्य बताता है जबकि सूचना डेटा अर्थपूर्ण बन जाता है, सूचना से डेटा अर्थपूर्ण बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 42 में आपका बी है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ। कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है, कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है, क्या पूछ रहा है, नहीं करता है, प्रोसेसिंग करता है, कंट्रोलिंग करता है, अंडरस्टैंडिंग नहीं करता है, इनपुटिंग करता है और आउटपुटिंग भी करता है। तो क्वेश्चन नंबर 43 में आपका सी होगा, क्योंकि नहीं पूछ रहा है, कार्य नहीं करता है पूछ रहा है, ठीक है, तो सी ऑप्शन होगा इसमें। क्वेश्चन है हमारा 44। किसी बाहरी स्रोत से आती है और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में फीड की जाती है, उस सूचना को क्या कहते हैं, इनपुट। 44 में आपका बी। क्वेश्चन नंबर 44 में आपका बी। क्वेश्चन है हमारा 45। सूचना के नियंत्रण के अंतर्गत ऑपरेट करने वाली इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डेटा को स्वीकार कर सकती है, डेटा को प्रोसेस कर सकती है, आउटपुट प्रोड्यूस करती है और भविष्य में प्रयोग के लिए परिणामों को स्टोर करती है, क्या कहलाती है, कंप्यूटर। ये सभी काम कंप्यूटर करता है आपका। 45 में बी। क्वेश्चन है 40। लैपटॉप्स क्या हैं, लैपटॉप्स क्या हैं, तो लैपटॉप हल्के वजन वाले कंप्यूटर्स जो एक छोटे से बैग में फिट हो जाते हैं, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 46 में आपका डी होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ। कंप्यूटर की बुनियादी संरचना का विकास ने किया था, चार्ल्स बेबेज, बी ऑप्शन सही है, कंप्यूटर की बुनियादी संरचना का विकास चार्ल्स बेबेज ने किया था, बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन हमारा 48। क्या है क्वेश्चन 48, IBM का पूरा नाम क्या है, IBM का पूरा नाम क्या है, तो याद रखिए इसका है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। क्वेश्चन नंबर 48 का बी। क्वेश्चन नंबर 49 है एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर की विशेषताओं के संयुक्त रूप को क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं आप लोग हाइब्रिड कंप्यूटर।
क्या है? ए ऑप्शन 49 में सही है। क्वेश्चन है हमारा 50। कंप्यूटर का प्राथमिक उद्देश्य को प्रोसेस करना और उसे इन्फॉर्मेशन में परिवर्तित करना है। इसमें क्या होगा? डेटा। कंप्यूटर का प्राथमिक उद्देश्य डेटा को प्रोसेस करना, उसे इन्फॉर्मेशन में परिवर्तित करना है। अगला क्वेश्चन है हमारा 51। कंप्यूटर के चार मुख्य कार्य हैं। कंप्यूटर के चार मुख्य कार्य हैं, इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट, स्टोरेज। ए ऑप्शन सही होगा आपका। क्वेश्चन नंबर 51 में ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है हमारा 52। आधुनिक कंप्यूटर के जनक हैं। चार्ल्स बेबेज आधुनिक कंप्यूटर के जनक हैं। क्वेश्चन नंबर 52 में आपका ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है 54, सॉरी 53। ऐसा विज्ञान जो मानव बुद्धि के समान बुद्धि का प्रदर्शन करने वाली मशीन बनाने का प्रयास करता है, क्या कहलाता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 53 में आपका डी है। क्वेश्चन है हमारा 54। प्रथम कंप्यूटर्स में का उपयोग करके प्रोसेसिंग की जाती थी। मशीन लैंग्वेज प्रथम कंप्यूटर्स में मशीन लैंग्वेज का उपयोग करके प्रोसेसिंग की जाती थी। बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है हमारा 55। सर्वप्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर एनिग किसने डिजाइन किया था? ये थे आपके बॉन न्यूमैन। ए ऑप्शन 55 में सही है। क्वेश्चन है हमारा 56। एक कंप्यूटर जिसे पोर्टेबल कंप्यूटर नहीं माना जाता है वह है मिनी कंप्यूटर। कौन सा? मिनी कंप्यूटर। क्वेश्चन नंबर 56 में आपका ए है। तो चलिए, ये था आपका पहला टेस्ट। ठीक है, अगली क्लास में हम लोग दूसरा टेस्ट देखेंगे।